भाई बहुत अच्छी खबर आई है मेरे लिए, बहुत अच्छी खबर। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका एक और हमारे नए व्लॉग में। तो भाई जैसे कि कल रात को खाटू श्याम जी गए थे, क्योंकि आज अमन का, अमन लंबे वाले अमन का बर्थडे आज। तो उसने रात को किचन में, मैं काम वाम कर रहा था, ऑर्डर्स वगैरह चल रहे थे, तो उसका फ़ोन आया 9:30 बजे समथिंग कि खाटू जा रहा हूँ, चल रहा है क्या। अब ये प्लान था कि भाई उसका रात को केक वगैरह कटवाएंगे, पर उसने बोला कि यार मेरे को खाटू जाना है, तो खाटू चल चल। उसके दो चार दोस्त थे और मैंने भी सोच लिया कि चल खाटू चल चलते हैं। फिर खाटू निकल गया रात को 10 बजे, वहाँ पहुँच गए थे हम 1-2 बजे। फिर सुबह पाँच बजे के दर्शन करे और पूरी रात सोया नहीं, तो उसकी वजह से क्या हाल हो गया, ये देखो दोनों आँखों में सूजन आ रही है, इस वाली आँख में काफ़ी ज़्यादा आ रही है। आँख बिल्कुल ऐसे लाल हो रही है सूज के, ये देखो, इसलिए चश्मा लगाकर काम कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लोड ना पड़े आँख पे और दर्द भी फिर ज़्यादा हो रहा है। तो देखते हैं आज उसके पास टाइम हुआ या फ्री हुआ। बाकी फैमिली के साथ प्लान था उसका कि खाना वाना डिनर वगैरह के लिए जाएगा, तो अगर फ्री हुआ तो उसे शाम को मिलेंगे और फिर आगे का सीन देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी अभी मैं देखा यार थोड़ी बहुत सूजन कम हुई है, आँख की स्वेलिंग वगैरह कम हुई है, तो मैं देखा व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, इतने दिन बाद तो भाई गर्मी कम हुई है, तो देखा यार व्लॉगिंग वगैरह भी कर लेते हैं। थोड़ा सा और अच्छा हो जाए मौसम तो नारगढ़ वगैरह चलने का मन कर रहा था, तो देखा नारगढ़ चलेंगे अभी। ये भी आर्यन आया हुआ था घर पे, तो देखा कि चलते हैं, बहुत दिनों बाद तो मौसम सही हुआ है। उससे पहले भूख लग रही थी, सुबह से कुछ खाया नहीं। सुबह घर पहुँचा था मैं 10 बजे, 10:30 समथिंग पहुँच गए थे। उसके बाद डायरेक्ट मैं सो गया, नींद आ रही थी और आँख में दर्द हो रहा था, तो मैं सो गया। फिर अभी उठाऊँ 11 बजे, फिर नहाया, नहाने के बाद फिर से सो गया 1 घंटा, और अब लग रही है भूख। तो आर्यन घर पे आया था तो ये बोला कि यार मुझे भी कुछ खिला दे, तो मैं देखा यार क्या ही खाऊँ, रोटी वोटी की तो भूख लग रही नहीं थी, तो ये बना रहे हैं अभी। और भैंसू गर्म क्या बोलते हैं, सोया चंक्स बना रहा हूँ कि थोड़ा हेल्दी भी होए और भूख भी मिटे। और ये बताना कि इतनी, ये देखो ये कितनी, कितने नंबरों की भीड़ मेरी है, ये दो या तीन होगी। तो ये बताना, ये वाला लुक अच्छा लग रहा है, बाकी मुझे तो इस लुक में रहूं, क्योंकि गर्मी है ना तो रखा नहीं जाता इतनी भीड़ वगैरह, और बाल उससे परेशान हो रहा हूँ, पर बाल कटाऊँगा नहीं, बाल बड़े करूँगा, क्योंकि पहले लुक आता था मुझे बहुत प्यारा लगता था वो लुक। और बाकी देख रहा हूँ वो उनसे तेल ले आऊँ, कौन सा तेल ले आऊँ, वो आदिवासी तेल लेकर आ जाऊँ। काम करता है क्या सही में? अरे फर्जी बना रहे हैं यार खूब से लोग, वो फर्जी दूसरे वाले फर्जी है, अपन डायरेक्ट आदिवासियों के पास चलेंगे, डायरेक्ट वहाँ से लेकर आएंगे अपन। बाकी तुम्हारा भाई स्मार्ट तो लग रहा है, कमेंट में बता देना। और मोटी मोटी आँखें, चश्मा इसीलिए लगा रखा है मैंने कि भाई ज़्यादा गंदी लगे ना आँखें। शॉर्ट्स के लिए वीडियो ऐसे शूट होती है, और ब्लॉगिंग करूँगा तो ऐसे आईफोन होएगी। और अभी बनाते हैं, बढ़िया पेलते हैं इसको और फिर बाहर चलते हैं। हर इंसान जो भी, जिसको खाना बनाना आता है, लड़के को जो भी शेफ या कुक होता है, तो उसको एक चीज़ ज़रूर बोली जाती है कि भाई जो भी तेरी होने वाली वाइफ होगी तो उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा आगे जाके। ये हर इंसान से मैं सुनता रहता हूँ और ये चीज़ इरिटेट करती है भाई बहुत। भाई काम उसका है, काम उससे करवाएंगे। तुम भी बताना तुम्हारे साथ भी होता है ऐसा या नहीं होता है, अगर घर में तुम भी कुछ खाना बना रहे हो या तुमको कुछ भी बनाना आता है इंटरेस्ट है बनाने करने में, घर वालों से सुनते होंगे ये चीज़ की भाई बीवी को बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब जो भी मेरे नसीब में होगी उसको मिलेगा तो मिलेगा भाई। भाई पसीनों में हालत ख़राब हो जाती है गर्मी में, देखो कितने गंदे पसीने आ रहे। बता खा के कैसा है? भाई ठीक ठीक बने, बोला था ना कुक अपनी तरकीब लगाता है, तो जो मसाले दिखा सब डाल दिया है, चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो, जो दिखा वो जीरे का तड़का भी लगाने वाला था। खाने लायक बने, बहुत अच्छे नहीं बने, खाने लायक बने बस, खा सकते हैं। और ये चीज़ वैसे भी वो है कि
वो जिम वाले बंदे तो भाई बॉईल करके खा लेते हैं, इनको सिर्फ नमक मिर्ची कुछ भी बनाया सेका थोड़ा सा और खा लेते हैं, तो बाकी ये तो सेहत के लिए होते हैं। बाकी मेन चीज़ वैसे प्रोटीन के लिए, इनके लिए होते हैं ये बढ़ते हैं, चेस्ट बढ़ता है, मतलब चेस्ट और ब्रेस्ट बढ़ता है इनसे। अमन शुक्ला के भी बड़े हैं, दिखाऊंगा किस दिन। ओ पोस्टमैन आ गया। ओ भाई 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 भाई, बहुत अच्छी खबर आई है मेरे लिए, बहुत अच्छी खबर। अब वो ये जो चीज मैं चाह रहा था वो आ जाए काफी दिनों से। काफी दिनों से वेट कर रहा था इसका आने का, गूगल एडसेंस का पिन आया और अभी व्लॉगिंग कर रहा था और अभी बात ही कर रहे थे 2 घंटे पहले। और बहुत बहुत धन्यवाद अंकल आपका, बहुत 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 ढोक 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 आपके ढोक, आपका धंधा भला बोलिए। एक बार बोल दो सब्सक्राइब कर दो, एक बार ऐसे बोल दो सब्सक्राइब करो, तरक्की करे बेटा, तरक्की करे बेटा, बहुत डेवलप होगा आपका। ये चीज़ सिर्फ है ना, पहले यूट्यूब पे देखते थे कि ऐसी भी कोई पिन होता है, गूगल एडसेंस होता है, ये होता है, यूट्यूब पे इनकम आती है, और आज वो चीज़ जब हाथ में है ना, तो भाई मतलब अलग लेवल, क्या ही मूवमेंट है भाई ये। अब थोड़े दिन में क्या आने वाला है, सिल्वर से कुछ आ रहा है, चांदी आने वाली है भाई। भगवान बस ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना, बाकी मेहनत पूरी करेंगे और अच्छा अच्छा कंटेंट देंगे तुमको। नहीं दिखाऊं किसी को भी, इसमें भाई कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 0 लग रही है भाई, ज़्यादा नहीं है। तो भाई अभी ऑर्डर डिलीवर कर आए और थोड़ा सामान वामान ख़त्म हो गया किचन के लिए, तो वो लेते हैं और मम्मी घर पे आ गई, तो मम्मी संभालेगी थोड़ी देर और थोड़ा बहुत घूमने चलते हैं। काफ़ी दिनों बाद तो मौसम इतना अच्छा हुआ है, राहत मिली है कि भाई घूमते हैं फिरते हैं थोड़ा। अब हो रही है भाई मेरी मोमोज खाने की इच्छा, और वो भी GT वाले। तो पहले सामान वामान लेके घर पे रख देते हैं उसको और फिर देखते हैं कहाँ चलते हैं। क्या बोल रहा है, गाड़ी चालू कैसे होती है वो दिखा देता भाई। अभी मजबूरी है, किक मार के स्टार्ट कर रहा, तो क्या हो गया आगे किसी दिन इसको कार में भी बदल देंगे। कितने परसेंटेज बनी, फेल हो गया भाई, फेल 86% बनी, 86 अभी बनी, 86 86 बनी है भाई, उम्मीद नहीं थी इससे कि 86% बना लेगा। 86 एक बार परसेंटेज की स्पेलिंग बोल दे, बोल PRCENTAG, दोबारा बोल PERCENTAG, 86 बनी है, देख लो कैसे बनी है वो, देख लो साढ़े परसेंटेज की स्पेलिंग आती नहीं। GT से लागू नहीं है, है उसमें ना तो टेस्ट है GT वाले में, दिखावे के मोमोज आके। एक तो तुमको ये कंफ्यूजन भी दूर कर दूं, वो लंबा वाला जो मैंने वो नरुका है, इधर इधर ले इधर, और जो छोटा वाला है वो शुक्ला है, जो मतलब मेरे साथ में रहता है किचन में। पीछे के व्यूज तो ये कहना चाह रहा था, इस एक गली से जा रहा था, तो ये कह रहा हूँ कि भाई जब भी अमन कुछ साल पहले, साल दो साल पहले जब भी इस गली से आता था तो मुस्कुराता हुआ जाता था, और अब जब भी आता है तो दुखी होके जाता है काफ़ी, और अब ब्लॉग देखेगा तो फिर से दुखी होएगा भाई। GT के मोमोज खाना तो कैंसिल हो गया, फिर सोचा डाबरी चलते हैं, वहाँ बैठेंगे थोड़ी देर और अब यहाँ पे मोमोज मांगा लेकिन यहाँ के ट्राई करते हैं। देखें टट्टी भाई, जिंदगी में ना इससे घटिया मोमोज कभी नहीं खाया, इससे बढ़िया तो रोड साइड वाले ने 20 रुपए के 6 मोमोज दिए थे भाई, वही बहुत तगड़े थे। सजेशन देंगे मत खाना, डाबरी के मत खाना भाई मोमोज। अला एक चीज़ अच्छी है आपकी, सिर्फ आइस टी मोमोज खाते हैं फिर बात करते हैं तुमसे। हाँ तो भाई अब तुमसे
कुछ बात करनी थी आज। जैसा तुमने दिन में देखा था कि भाई बहुत खुशी का दिन है आज, तो भाई खुशी तो बहुत है आज, पर दुख इस बात का है कि ये जो टाइम चल रहा है अभी मेरा, इस टाइम पे वो लोग साथ नहीं है जिन लोगों का साथ मैं चाहता था। तो बस इसी चीज़ का काफ़ी दुख है कि जिन लोगों का साथ मुझे चाहिए था वो भी है नहीं। और खुशी इस चीज़ की है कि इतने लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए, कि जैसे तुम सब इतना प्यार दिखा रहे हो तो उस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। और दूसरी चीज़ कि घर वाले बहुत खुश है, मम्मी को इतना खुश देखता हूँ ना कि भाई हाँ अब जाके जो फैमिली में प्रॉब्लम्स रहती है धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही है, मम्मी खुश रहती है, मैं खुश रह रहा हूँ। और ये जो सब चीज़ है, लोग आते जाते रहते हैं तो बस इस चीज़ का काफ़ी दुख होता है। पर वही है कि वो इंसान का बहुत दुख होता है जिस इंसान का मैं चाहता हूँ कि आज होता मेरे साथ में, और जो मैं खुशी सेलिब्रेट कर रहा हूँ उस खुशी में वो भी मेरे साथ में शामिल होता। तो बस यही थी एक दिल की बात थी जो तुमको बतानी थी। अब घर पे चलते हैं और आँख में थोड़ा ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे, तो ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इस ब्लॉग को भी थोड़ा प्यार दिखाना, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को। जैसे जैसे धीरे धीरे होगा भाई लोग तभी जानेंगे, तुमने इतना प्यार दिखाया तो बड़े ब्लॉग्स पे भी थोड़ा प्यार दिखाओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में भाई। दो चार दिन में सिल्वर प्ले बटन हाथ में होगा अपने, हमारा भाई यूट्यूबर बन गया। मम्मी भेलपुरी खाओगी क्या? भगोने में खा लो। आंचल भी तो खाती थी तभी शादी में बारिश आई थी। अब ये तो बता दो क्या भाव कब ला रहे हो? दो साल रुक के। उसी को लानी नहीं, अपने आप ही आ जाएगी। उसी को नहीं आएगा? फालतू बात मत करा मेरे पास। अरे वो जो मेरी पसंद की लाऊंगी, आपकी पसंद की गाय को मैं मेरी पसंद की लाऊंगी। मैं मेरी पसंद की लाऊंगा। फिर पूछ रहा है जिंदगी का सवाल किसका है? मेरा है, बुढ़ापे में मेरे को देखे थे। आप नौकर लगा देंगे आपके लिए तो क्या फर्क पड़ेगा? नौकरों से काम नहीं कर, नौकर मैं उसका ही कुक कर लूंगी। काम कराना ही नहीं है ना, काम के लिए थोड़ी ला रहे हैं। नहीं भाई अपनी पसंद की लाएंगे। नहीं मेरी पसंद की। सबको पसंद है, मेरे को पसंद आ जाएगी, मेरी पसंद के लिए जो मेरे भी काम, जो मेरे भी काम आ जाए मेरी पसंद के लिए आना। चटनी पंजाबी नहीं फसनी तेरे तो ए कुड़ी पटाखी नहीं फसनी किसे।